नमस्कार शेफ काली सिंह उधर और एक क्वांटी से एक नए वीडियो लेके आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम लेके आए थे बैग वेजिटेबल, इससे पहले पास्ता लेके आए थे, इससे पहले हम पेस्टो वेजिटेबल लेके आए थे, पेस्टो इन पेस्टो सॉस में पास्ता लेके आए थे, और आज हम और एक नए कॉन्टिनेंटल से हम नए वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि बैग मैक्रोनी है। हाउ टू मेक बैग मैक्रोनी, कैसे बनाना है, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स आएगा, तो मैं सबसे पहले आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देता हूँ, उसके बाद हमने बेक करना है, किस तरीके से करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास इस तरीके यानी कि हमारा मैक्रोनी है जिसको हमने बॉईल किया हुआ है, ना कि ब्लांच किया हुआ है, ये बॉईल किया हुआ है। उसके बाद हमारे को बेसिक जो सेकंड है इसका ये वाइट सॉस है, वाइट सॉस मैंने आपको पहले भी बना के बता रखा है, अगर और भी आपको कोई कन्फ्यूज है तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो। उसके बाद वेजिटेबल्स में है ये हमारा ब्रोकली है, येलो पेपर है, रेड पेपर है, जुगनी ग्रीन है, जुगनी ये येलो है, ऑलिव है, ऑर्गेनो है, ये हमारा वाइट सॉल्ट है, ये फाइन चॉप गार्लिक हो गया, ये फाइन चॉप ऑनियन हो गया, ऑर्गेनो हो गया, ये हमारा पार्सले हो गया, ये चीज़ हो गया, प्रोसेस चीज़ अमूल चीज़ दोनों हमने इसमें मिक्स करा हुआ है, यानी कि उसके ऑन टॉपिंग डालेंगे। और ये हमारा जो क्रीम है जो हम इसको सॉस को यानी कि ल्यूज और थिकनेस करने का काम में हम इसको यूज करेंगे। तो हमको बनाना कैसे होगा मैं आपको वो बता देता हूँ कि यानी कि हाउ टू मेक बैग मैक्रोनी कैसे बनाना है, यानी कि बैग मैक्रोनी हाउ टू मेक बैग मैक्रोनी कैसे खाना है हमने, या वाइट पास्ता मैक्रोनी में आपको कैसे चाहिए होगा। तो दोनों का सेम रहेगा, आप मैक्रोनी बैग मैक्रोनी को बैग कर दोगे, और मैक्रोनी अगर आपको वाइट सॉस में खाना है तो आप उसको बैग नहीं करोगे और उसको आप वाइट सॉस में खा लोगे। तो आज हम बनाएंगे बैग मरोनी बैग मैक्रोनी हाउ टू मेक बैग मैक्रोनी कैसे बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। करना है आपको इस तरीके का पैन बिठाना है, पैन बिठाने के बाद सबसे पहले ये आपका ऑलिव ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल डालने के बाद आप उसको ना डायरेक्ट भी बना सकते हो, और हल्का सा आप फाइन चॉप ये ऑनियन और फाइन चॉप ये आपका ये गार्लिक, दोनों चीज़ें क्वांटिटी का जो बेस है उसके अकॉर्डिंग आप भी बना सकते हो। इन दोनों को आप इस तरीके से हल्के सोते करोगे और इसको हम स्टेचुला बोलते हैं, स्टेचुला से आप इस तरीके से इसको गार्लिक ऑनियन को बर्न करोगे, बर्न इन द सेंस कि हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए। और अब आप बोलोगे कि गोल्डन ब्राउन कलर कैसा होना, यानी कि थोड़ा सा ये लाल पीला होना चाहिए, तो उसको हम गोल्डन ब्राउन कलर बोलेंगे। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक आपके सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जैसे ही हमारा ये मैटर तैयार होता है गार्लिक और ऑनियन ब्राउन होने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वेजिटेबल ऐड करना है। अब वेजिटेबल में ये हमारा हो गया येलो जुगनी, ये हमारा हो गया ग्रीन जुगनी, ये हमारा रेड पेपर यानी कि रेड कैप्सिकम, ये हमारा येलो कैप्सिकम, ये हमारा ब्रोकली हो गया, इसको भी हमने थोड़ा सोते करना है इस तरीके से। हल्का सा आप ब्रोकली को और जुगनी को आप ब्लांच मार सकते हो, कैप्सिकम को आप ब्लांच नहीं मार सकते हो, मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताया है कि इसको आप ब्लांच नहीं कर सकते हो कैप्सिकम को, जो लाल पीली कैप्सिकम है आपको, और वैसे आपको वेल पेपर बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसमें असोसिएटेड वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, यानी कि इंडियन वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करेंगे। ये इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका ऐसे कलर रहेगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि यानी कि सबसे पहले आपका जो ये वाइट सॉस रहेगा ये डालना है। अब आप पूछोगे कि वाइट सॉस कैसे बनाना है, वाइट सॉस का हमने पहले भी वीडियो डाल रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जो हमारा मिल्क रहेगा यानी कि जो दूध रहेगा, दूध में आपको वाइट सॉस कैसे बनाना है, यानी कि एक किलो दूध रहेगा, एक किलो दूध में आपको क्या करना है, सबसे पहले दूध को गर्म करना है, उसमें साबुत ऑनियन में आपको आपका जो लौंग रहेगा लौंग को और उसको ब्लांच कर देना है, यानी कि आपका जो तेज पत्ता रहेगा बेलिप्स रहेगा जिसको हम बोलेंगे उसमें आपको ब्लांच कर देना है। ब्लांच करने के बाद दो यानी कि रू बनाना है। अब आप बोलोगे कि रू कैसे बनाना है, रू बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो रिफाइंड फ्लोर रहेगा यानी कि जो आपका मैदा रहेगा, मैदा को बटर में यानी कि रोस्ट करना है। रोस्ट कैसे करोगे कि आप जो आपका
आप जो जैसे सूजी सेकते हो वैसे आपको बटर के अंदर मैदा को यानी कि सोते करना है, सेकना है, यानी कि जो रिफाइंड फ्लोर रहेगा उसको ऐसे बर्न करना है। बर्न जैसे ही हो जाएगा, जैसे जैसे आपका दूध गर्म हो जाएगा उसके बाद बीटर लेना है। बीटर से आपको उसके बाद जो आप रिफाइंड फ्लोर का जो रू बनाओगे वो दूध के अंदर डालना है। अब डालना कितनी क्वांटिटी में है, यानी कि 100 ग्राम के आसपास डालना है। तो 100 ग्राम का आपको पता कैसे चलेगा, यानी कि 1 किलो दूध में जैसे जैसे आप डालोगे और जो बीटर से आप विस्क करोगे, विस्कर या बीटर जिससे भी आप फेंटोगे उसको, जब तक थिक नहीं हो जाता है जब तक आपको रू डाल देना है। और जैसे ही अगर आपका थिक हो जाता है, इस तरीके का अगर आपका थिक हो जाता है जैसे हमने अभी ये व्हाइट सॉस यूज किया है इस तरीके से, तो ये जैसे हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट एट लास्ट में आपका ये मैक्रोनी डाल देना है। ये हमने मैक्रोनी डाला। मैक्रोनी डालने के बाद आपको क्या करना है, ये आपका फ्रेश क्रीम हो गया यानी कि कुकिंग क्रीम हो गया, ये कुकिंग क्रीम हो गया। कुकिंग क्रीम के बाद आपको क्या डालना है, हल्का सा फ्लेम ऑन करना है। फ्लेम ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, ये हल्का सा आपका ये वाइट सॉल्ट हो गया, हल्का सा आपका ये ऑर्गेनो हो गया। ऑर्गेनो के साथ साथ आप ये आपका ब्लैक ऑलिव उसके अंदर भी डाल सकते हो, यानी कि डीप भी डाल सकते हो। हल्का सा आपको शुगर भी डालना है। ये ऐसा हो गया आपका, और ये हमने हल्का सा शुगर डाला। ये इस तरीके से आप शुगर डाल सकते हो, और ये आप इस कलर का आपका यानी कि जो बैग मैक्रोनी रहेगा, यानी कि वेजिटेबल बैग मैक्रोनी कैसे बनाना है, हाउ टू मेक बैग बैग मैक्रोनी, ये हो गया। आपको प्लेट में करेंगे, ये हमारा प्लेट्स है, ये हमारा प्लेट्स है। इसमें हमको ये इस तरीके से निकाल देना है, ये इस तरीके से निकालोगे आप। हो गया आपका ब्लैक, ये ग्रीन हो गया, ये आपकी जो चीज हो गई ये इस तरीके से। अब इसमें आप मोजरोला चीज भी यूज कर सकते हो, मोजरोला प्रोसेस भी यूज कर सकते हो, मोजरोला कई टाइप का आता है। ये यूज करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से हल्का सा ऑर्गेनो, ये इस तरीके से ऑर्गेनो डाल देना है, और ये आपको ये डाल देना है जो यानी कि पासले, जिसको हम सेलेंथ्रो बोलते हैं, यानी कि कॉन्टी लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में जिसको हम सेलेंथ्रो बोलेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये बैग कर देना है। बैग कितना टेम्परेचर में हो गया, 200 250 / 200 में हम इसको बैग करेंगे। बैग इन द सेंस कि इसका जो ब्राउन कलर होगा, रेड जो ब्राउन कलर होगा, इसके ऊपर से जो कलर आएगा उसको हम बैग बोलेंगे। तो जैसे ये बैग हो जाएगा उसके बाद आप सर्व कर सकते हो, इसको खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो मैं अभी आपको इसको बैग करके भी दिखा देता हूँ किस तरीके से ओवन में बैग करना है। इस ओवन में हमने टेम्परेचर सेट किया, यानी कि 250 / 200 में हम इसको टेम्परेचर सेट कर देंगे ताकि जल्दी बैग हो जाएगा। जैसे बैग हो जाएगा हमने ये अंदर रख देना है, और इसका जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इसको निकाल देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर करके, यानी कि ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपको ये शुरू करना है, यानी कि नीचे से थोड़ा गर्म रहेगा ये इस तरीके से आपको शुरू करना है। कि अभी आप बोलोगे कि शेफ इसके कॉन्डिमेंट्स किधर है, ये इसके साथ हम लोग गार्लिक ब्रेड यानी कि 2 पीसेस गार्लिक ब्रेड हम इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और ऑन टॉपिंग में भी हम लोग जैसे कि यानी ब्लैक ऑलिव यानी कि ग्रेन ऑलिव वो भी शेयर कर सकता है, यानी कि पिकअप कर सकते हैं। और इस तरीके से यानी कि सनड्राइड टमाटो भी इसके साथ हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए, और आपके जो ऑलिव्स हैं यानी कि, और जो आपके पार्सले हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स से हम लोग इसको प्रेजेंट करके पिकअप करा सकते हैं। तो यानी कि इस तरीके से आप बैग मैक्रोनी पिकअप करा सकते हैं, यानी कि हाउ टू मेक बैग मैक्रोनी कैसे बनाना है, बैग मैक्रोनी जिसको हम बोलेंगे। तो इस तरीके से आप बैग मैक्रोनी बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इंजॉय के साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें। इसको लिए थैंक यू सो मच।